नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम फैन रिपेयर करना सीखेंगे, वो भी फैन फैन को बिना नीचे उतारे, क्योंकि कई बार फैन के अंदर नीचे उतारना पड़ता है और काफ़ी टाइम लगता है और दोबारा हम उसको इंस्टॉल नहीं कर पाते। तो देखिए दोस्तों, ये फ़ैन है, इसमें से हल्की हल्की आवाज़ आती है, यानी इसकी जो बैरिंग है वो सूख चुके हैं और उसमें ग्रीसिंग करनी है, ऑयलिंग करनी है, जिस वजह से ये इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने फ़ैन अपने ऊपर ही टांग रखा है, इसको नीचे नहीं उतारा है। ये किसी भी तरीके का फ़ैन हो, आप इसको इस तरीके से ऑयलिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कि जो ऊपर वाला बेयरिंग है उसमें तो काफ़ी इजी होता है ऑयल डालना, और अगर ऊपर वाला सूखा हुआ होगा बेयरिंग तो आप इसमें एक ऑयल, थोड़ा सा ऑयल, दो तीन बूंदे डाल के इसकी आवाज़ को ठीक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे इसके यहाँ पे ऑयल डालना है। यहाँ से ऑयल डालने से पहले आप इसको अच्छी तरीके साफ कर लीजिएगा, और ऑयल डालने के लिए आपको यहाँ पे कीप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कीप नहीं है तो आप कोई भी छोटा सिरिंज इंजेक्शन ले सकते हैं, और ऑयल आपको इंजन ऑयल लेना है, चाहे तो आप पुराना ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो गाड़ियों में से निकला हुआ होता है। इसके अलावा आप इसमें कोई सा भी ऑयल नहीं डाल सकते। देखिए दोस्तों, मैंने ये थोड़ा सा पुराना ऑयल है जो हमारी गाड़ियों में से निकलता है, इसको मैं थोड़ा सा सिरिंज में भर लेता हूँ। अब इसके आगे की नोब है, उससे वहाँ पर ऑयल छोड़ूंगा जहाँ से वो हमारे बेयरिंग में आसानी से चला जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें इसको छोड़ना है और थोड़ी थोड़ी बूंदें डालनी चारों तरफ, जिस वजह से धीरे धीरे ये अंदर जाएगा और बेयरिंग के अंदर घुस जाते ही वहाँ पे लुब्रिकेशन के कारण आपकी पंखे में होने वाली आवाज़ बंद हो जाएगी। दोस्तों अगर फिर भी इसकी आवाज़ बंद नहीं होती तो हमें इसका नीचे वाला बेयरिंग है उसमें ऑयल डालना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले में से अगर आवाज़ आती तो वो बंद हो जाती। अब हमें इसके तीन स्क्रू खोलने पड़ेंगे, एक एक तो ये होता है और एक पीछे इसके होता है, तीन इसी तरह के स्क्रू होते हैं तीनों तरफ, वो हमें अच्छी तरीके से इसको खोलना पड़ेगा। अब आपको सावधानी से तीनों स्क्रू खोलने हैं, और दोस्तों जैसे आप इसके तीनों स्क्रू खोल लेंगे तो ये नीचे वाला जो इसका बॉटम है वो अलग हो जाएगा, और इसके अंदर आपको वाइंडिंग दिखेगी, रोटर दिखेगा, बेयरिंग, और बेयरिंग के ऊपर लगने वाला स्प्रिंग भी दिखने लग जाएगा। तो आपको उस बेयरिंग के अंदर थोड़ी सी ऑयल डालना है और उस वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी पंखे की। देखिए दोस्तों, थोड़ा मुश्किल हो सकता है खोलना, थोड़ा इसको कई बार ठोक के भी खोल सकते हैं। अगर ज़्यादा अगर ये जाम है तो आप इसको मत खोलिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद उतरने के बाद ये रिपेयर होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाता है तो ये फिर मैकेनिक से ही खुलेगा। देखिए दोस्तों, आपका पंखा खुल जाता है इस तरीके से, तो आप अच्छा है कि आप उसको खोल लीजिए, और इस तरीके से आप इसको नीचे से खींचेंगे तो ये नीचे का बॉटम इसका अलग हो जाएगा फ़ैन का, और इसकी जो वायरिंग है आपको दिखने लग जाएगी। यहाँ पे एक रोटर है, वो भी हो सकता है आपके नीचे वाली पंख ये जो प्लेट है इसके साथ में आ जाए। अब आपको इस थोड़ा सा ऑयल डालना है इसके अंदर, तीन चार बूंद इसमें डालना है, उसके बाद में हमें नीचे जो कवर है उसको वापस से ऊपर की तरफ फिट कर देना है। देखिए दोस्तों, ये वायरिंग है इसकी, ये इसको मोटर वाइंडिंग कहते हैं, ये इंसुलेटेड वायर से बनी हुई होती है, और ये पंख फैन होता है इसके चारों तरफ रिंग लगी हुई होती है, जिस वजह से रिंग चारों तरफ घूमती है मैग्नेट बनने पे। दोस्तों ये तीन जो स्क्रू है उसको सेम, जो नीचे वाला बॉटम आपका जो ये है उसको सेम स्क्रू को ऊपर की तरफ करके लगाना है, क्योंकि छेद जो छेद होगा ऊपर से स्क्रू आएगा उसके अंदर, वो सीधा इस प्लेट में कस जाएगा। ये नीचे का पंखा पंखे का जो कवर है उसको बड़ी सावधानी से लगाना होगा, और इसको लगाने बाद हमें चारों तीनों स्क्रू टाइट करने हैं, और अच्छी तरीके से इसको टाइट करना है, यानी कस देना है, और जैसे ही आप इसको ढंग से कस देंगे कि तो ये जो कवर है दोनों आपस में चिपक जाएंगे अच्छी तरीके से, और इसमें जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो अंदर मैग्नेट बनेगा इस वजह से, और आपका फ़ैन घूमने लगेगा। देखिए दोस्तों, सारे स्क्रू आपको अच्छी तरीके से पेचकस से टाइट करने हैं। अब दोनों जो बेयरिंग है उसके अंदर ऑयल आपका पहुंच चुका है, और जैसे आपका पंखा थोड़ा बहुत जाम हो तो थोड़ा बहुत उसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि पंखा अगर जाम हो चुका है तो आप कोई मतलब नहीं है उसको चलाने का, मोटर वाइंडिंग भी इसकी ख़राब हो सकती है। कभी आपको जाम पंखा नहीं चलाना है किसी भी कंडीशन में। अगर ये खुलने के बाद आपसे फिट नहीं होता है या पंखा जाम हो रहा है तो आप इसको मैकेनिक को दिखा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर इसमें आप कुछ करेंगे तो इसकी जो वाइंडिंग है उसको नुकसान हो सकता है। हमें अब ये कवर है इसका, कैप है, उसको नीचे कर देंगे और हम अपने फ़ैन को चला के देखेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा फ़ैन आवाज़ करना बिल्कुल बंद कर देगा। दोस्तों ये बेयरिंग की जो प्रॉब्लम होती है, लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वीडियो है।
तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर तो आपको थोड़ा बहुत काम आता है या आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक में। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।